एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ऑटो सीरियल नंबर। जी हाँ, जब भी आप कुछ टाइपिंग या डेटा एंट्री करते हैं तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली कैसे आएगा, ये आज की हमारी सेशन में है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ में आप मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर मेरी DVD परचेज करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com को लॉगिन करें। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे सीरियल नंबर है और मैंने यहाँ पे नेम और इसके आगे मैं और भी बहुत सारे फीचर्स को लिखूँगा फिलहाल, लेकिन फिलहाल समझ ली यही है। हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 और यहाँ पे लिखते हैं अपना जो भी नाम लिखना है, नाम और बाकी डिटेल जो होती है उसको लिखते हैं। फिर दूसरे के लिए यहाँ पे 2 लिखते हैं और फिर यहाँ पे दूसरा नाम लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये नंबरिंग नहीं करना, जैसे जैसे मैं नाम लिखता जाऊँ ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली होता चला जाए। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इफ फॉर्मूला इक्वल इफ, इफ फॉर्मूला जिसके अंदर हम सबसे पहला देंगे लॉजिकल टेस्ट, जो लॉजिकल टेस्ट होगी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है माफ कीजिएगा इक्वल इफ सामने जो नेम है उस नेम को हम करेंगे, सामने वाली वैल्यू जो नेम है उस नेम को करेंगे कि ग्रेटर दैन अगर 0 हुआ। हम यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 क्यों कर रहे हैं, पहले इस चीज़ को समझिए। ग्रेटर दैन 0 करने का पर्पस ये है कि जो ब्लैंक सेल होती है एक्सेल के अंदर में, ऐसा सेल जिसके अंदर कोई भी वैल्यू टाइप नहीं है वो ब्लैंक सेल कहलाता है, उसकी जो रिजल्ट उसकी जो वैल्यू या उसकी जो प्रॉपर्टी 0 होती है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ग्रेटर दैन 0 मतलब कि इसमें किसी भी तरह का न्यूमेरिकल टेक्स्ट करेक्टर डेटा नहीं है, तो ग्रेटर दैन 0 होगा जब कोई न्यूमेरिकल करेक्टर डेटा होगा। तो ग्रेटर देन 0 ऐसा हुआ तो अपनी ऊपर वाली वैल्यू में वो प्लस 1 कर देगा, मतलब कि 1 को ये 2 कर देगा। और फिर इसमें हम करेंगे ब्लैंक कि अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 0 नहीं इक्वल टू 0 हुआ तो फिर वो ब्लैंक करेगा, यहाँ पे ब्लैंक हो गया। फिर इसको कॉपी करें और मान लीजिए कि आप 100 या 500 जगहों पे टाइप करते हैं, ऐसे जगहों को कॉपी पेस्ट कर लें। वो जो हमने इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज किया था जिसकी वजह से यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, बट इसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है। जैसे ही इसके सामने कोई वैल्यू टाइप होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ओम तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे दिया नीरज तो लिखते ही आपका सिक्वेंस नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ये तो पहला कंसेप्ट हुआ। अब चलिए दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि जो पहला कंसेप्ट में है अगर हमने कोई रो ब्लैंक करके कोई नाम लिखा तो फिर यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि ब्लैंक जो है ये जो इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज है ये ब्लैंक मतलब कि टेक्स्ट की कैटेगरी में है, एक्सेल इसको ABCD की कैटेगरी मानता है, इसलिए इस पर किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन को नहीं किया जा सकता। तो अगली सीट में हम इसी चीज को फॉलो करेंगे और यहां पे हम देंगे, मान लीजिए हमने नाम दिया, कंडीशन वही होगा जो कंडीशन हमने लगाया था। हम यहाँ देंगे इफ अगर सामने वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हम प्लस करने की जगह पे हम मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालता है, तो मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और मैक्स का फॉर्मूला लगाते समय ध्यान रखेंगे जो हम रेंज देंगे वो पूरी कॉलम को नहीं देंगे, हम सिर्फ एक सेल को देंगे लेकिन पूरी कॉलम का एक फॉर्मेट बना के, और फिर इसमें प्लस 1 करते हैं और उसके बाद हम ब्लैंक करते हैं।
लेकिन ऐसे नीचे ड्रैग नहीं करेंगे, क्योंकि ए वन पहला ए वन से ए वन है, तो पहला जो ए वन है इसको हमें डॉलर कंसेप्ट के माध्यम से हम इसको लेंगे कर देंगे फ्रीज कर देंगे, ताकि जब वो नीचे ड्रैग हो तो ए दूसरा वाला ए वन ए टू बन जाए, पर पहला वाला ए वन हमारा ए वन ही रहे। अब यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ उदय, तो देखिए उदय ही रहा, मैंने डाला इंदर, इंदर तो नंबरिंग भी हो गया। लेकिन अगर हम एक ब्लैंक कॉलम को स्किप करके अगली कॉलम में लिखते हैं तो फिर भी हमारा सीक्वेंस नंबर कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो कंसेप्ट थी हमारी, एक कंसेप्ट थी किसकी, ऑटो सीरियल नंबर की। तो इस कंसेप्ट को आप अपने डेटाबेस में फॉलो कर सकते हैं ऑटोमेटिकली सीक्वेंस नंबर जनरेट करने के लिए। दो कंसेप्ट है आपके पास। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पे जाएं, वहां से हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोज़ को इकट्ठा एक जगह पे पाना, क्योंकि YouTube चैनल से तो ले ही सकते हैं लेकिन वहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको ढूंढने में सहूलियत नहीं होती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट दे रखा है कि vd.iptindia.in या फिर excel.sujitkumar.co.in। इन वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो मेरे सारे वीडियोज का लिंक एक जगह पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस वीडियोज को जब भी आप फॉलो करेंगे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को और भी ज़्यादा पॉपुलर करता रहूं और इसमें मेंटेन करूं ताकि आपको सारे वीडियोज एक जगह आए, तो एक छोटी सी मदद आपको मुझे करनी पड़ेगी। मदद में आपको क्या है कि जब भी आप मेरे ये वेब पेज ओपन करेंगे वीडियो देखने के लिए, तो कुछ एडवर्टाइजमेंट आएगा कुछ अलग अलग प्रोडक्ट का। हम आपको इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए नहीं बोलना है, हम चाहते हैं बस इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक क्लिक कर दें। क्लिक करने से बेनिफिट क्या होगा कि हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और जिससे हमें थोड़ी सी प्रोत्साहन मिलेगी ताकि हम इस वेबसाइट को और ज़्यादा मेंटेन करें। तो इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वीडियो की, आप वहाँ से ले लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।